हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहां पर आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आपका जारी किया गया है। इसकी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर इस बार आपकी रहेंगी, साथ में कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसकी एलबीटी कंडीशंस क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, साथ में फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो कितना लगेगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और इसके अलावा आपका जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये आपका फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन यहाँ पर है, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। अब अगर बात करें, देखिए जो नोटिस है आपका, जो ऑफिशियल नोटिस है वो जल्दी ही जारी होने वाला है, क्योंकि जो एनुअल कैलेंडर है आरआरबी रिक्रूटमेंट का वो फ्रेंड्स जारी हुआ था, जिसमें आपसे यहाँ पर बताया गया था कि जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल है चाहे वो अनग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, जिसके लिए फ्रेंड्स जो आपका जो फॉर्म है वो जुलाई से सितंबर तक आपका यहां पर जो है जारी हो जाएगा। तो आप जुलाई से सितंबर के बीच में इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर का शॉर्ट नोटिस पहले ही जारी हो चुका है, और फ्रेंड्स एएलपी और टेक्नीशियन के भी फॉर्म आपके फिलअप हो चुके हैं। अब यहां पर जो वैकेंसी आने वाली है वो अब आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट व नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपकी यहां पर आएगी। अब यहां पर बात करते हैं इसके जो फर्दर वैकेंसीज की डिटेल की। तो यहां पर फ्रेंड्स जो शॉर्ट नोटिस है ये फ्रेंड्स आपको यहां पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले कहा गया है जो वैकेंसीज हैं आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट के लिए, इसमें आपके अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 361। इसके बाद आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 1985 वैकेंसीज है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहां पर 990 वैकेंसीज है, और ट्रेंस क्लर्क की यहां पर 68 वैकेंसीज है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 3404 पोस्ट यहां पर आपकी जारी होंगी। इसके बाद है आपका ग्रेजुएट लेवल की एनटीपीसी पोस्ट, इसमें देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी है 2684 वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की 963 वैकेंसी, चीफ कमीशन कम जो आपके कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है इसके लिए 1737 वैकेंसी, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपके फ्रेंड्स यहां पर 1371 वैकेंसी, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपकी 725 वैकेंसी है। तो आपका जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें 7479 वैकेंसी रहेंगी। ओवरऑल बात करें एनटीपीसी में 10884 वैकेंसीज आपकी यहां पर जारी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है वो ज्यादा ही जारी होंगी, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है ये फ्रेंड्स अप्रूव्ड वैकेंसी है, बाकी जब तक इसका नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए 8 या 10 दिन बाद आता है या 15 दिन बाद आता है, तो फ्रेंड्स आपकी जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज जरूर होंगी। तो यहां पर वैकेंसीज, क्योंकि जेई के लिए भी जो नोटिस जारी किया गया था उससे ज्यादा ही वैकेंसी जारी की गई है, तो एनटीपीसी में भी इससे ज्यादा ही वैकेंसीज यहां पर जारी की जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहां पर देखिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो आरआरबी है, जोनल वाइज जो प्रोडक्शन यूनिट है, सेंट्रल रेलवे है, इसमें देखिए आरआरबी है बिलासपुर और मुंबई, इसमें फ्रेंड्स किस वैकेंसी की किस कितनी कितनी वैकेंसीज है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हो चाहे फ्रेंड्स वो यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट हो, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके जितने भी आपके आरआरबी हैं उन सभी में, और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनमें फ्रेंड्स जो भी आरआरबी आती है उनमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट और कितनी वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहने वाली है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो ऑफिशियल नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक यहाँ पर देखिए अपडेट न्यूज पेपर में भी आया है, जिसमें कहा गया है रेलवे में जल्द भरे जाएंगे 10884 पद, अंडर ग्रेजुएट व ग्रेजुएट दोनों के लिए पद आपके हैं, सबसे ज्यादा पद जो है वो पश्चिम जोन में है, तो आपको यहां पर जोन वाइज देखिए जो वैकेंसीज है वो आपको दी गई है। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए सेम आपको कहा गया है रेलवे में जो स्टेशन मास्टर है, टिकट सुपरवाइजर है, टिकट क्लर्क है, गार्ड है,
क्लर्क आदि के 10,884 पदों पर नियुक्ति आपकी यहां पर होने वाली है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर जो अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट है, कॉमर्शियल से है, टिकट क्लर्क है, जूनियर क्लर्क से है, टाइपिस्ट है या ट्रेन क्लर्क है, उनके पदों पर भी भर्ती आपकी यहां पर होगी। और हर 3 महीने में भर्ती के निर्देश यहां पर दिए गए हैं, क्योंकि इसका जो एनुअल कैलेंडर है वो फ्रेंड्स आपका यहां पर जारी हो चुका है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि ओल्ड नोटिफिकेशन है CN01/2019 का। इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ये है आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जनरल अवेयरनेस के आपके फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल यहां पर 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं, क्योंकि एक नंबर है हर एक क्वेश्चन का, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। और इसमें फ्रेंड्स आपको 90 मिनट का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर रखी जाती है हर एक गलत आंसर के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। अब यहां पर देखिए 3 सेक्शंस है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स आपको देखिए यहां पर सिलेबस दिया गया है, जिसमें देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम और एससीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके देखिए एनालॉजी, नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपके मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, सिमिलरिटीज होती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनालिटिक रीजनिंग, सुरिदम्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, ये सारे क्वेश्चंस रीजनिंग से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जो होगी इसमें फ्रेंड्स आपके देखिए जो आपके करंट इवेंट्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इसके अलावा जो मोमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया है, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस है जो कि 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आपके फ्रेंड्स स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंपोर्टेंट वर्क ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस में भी आपका बड़ा टॉपिक यहां पर कवर किया जाता है इस वैकेंसी के लिए। अब बात करें सेकेंड स्टेज सीबीटी की, तो यहां पर फ्रेंड्स जो शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज सीबीटी से, उनको ही सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें देखिए आपके एग्जाम ड्यूरेशन सेम 90 मिनट का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन है और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। ओवरऑल यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 120 क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाते हैं और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की ही रहती है। अब यहां पर जो सिलेबस है मैथमेटिक्स में वो आपको यहां पर देखिए देखने को मिल जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा और जनरल अवेयरनेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपकी वैकेंसीज इस बार जारी होने वाली है, इसमें सभी वैकेंसीज इस बार शो नहीं की गई हैं, पर अगर न्यू नोटिफिकेशन जब आता है उसमें अगर ये वैकेंसीज होती हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते हैं, स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स गार्ड के लिए, या जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, या सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क के लिए आप आवेदन यहाँ पर करते हैं, या सीनियर जो आपका टाइम कीपर है उसके लिए आवेदन करते हैं, या फ्रेंड्स आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं, तो यहां पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री है आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो अदर पोस्ट है जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है या ट्रेन क्लर्क है, इनके लिए 10+2 पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी रहता है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो क्वालिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट के लिए वो रहेगा 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए डिग्री। और अगर फ्रेंड्स आप डिग्री पास आउट हैं तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या फ्रेंड्स वो आपका ग्रेजुएट हो, दोनों के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। 12th पास ओनली अंडर ग्रेजुएट के लिए ही आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो वैकेंसी का शॉर्ट अपडेट आपका आ गया है, जुलाई से सितंबर 2024 के बीच में आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। और इसका फ्रेंड्स जैसे ही अपडेट आएगा, मैंने आपको यहां पर कोशिश की है आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन की सभी डिटेल्स को प्रोवाइड करने का। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा।